तो गाइस ये है रॉयल इनफील्ड की न्यू गुरिल्ला 450। कंपनी ने क्या है इसको तीन वेरिएंट्स के अंदर में लॉन्च किया है। जो इसका बेस वेरिएंट है वहाँ पे तो क्या आप लोगों को फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, पर जो इसके ऊपर के दो वेरिएंट्स है वहाँ पे फीचर्स का डिफरेंस नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या आप लोगों को कलर थीम का डिफरेंस मिलेगा। जो ये वेरियंट आप देख रहे हो ना, या तो आप इसको मिड वेरियंट बोल सकते हैं या फिर इसको आप सेकेंड बेस वेरियंट भी बोल सकते हैं। ये जो वेरियंट है गुड़गांव वेरियंट में 3,17,000 रुपये कॉस्ट करता है, और जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है वो 3,22,000 रुपये कॉस्ट करता है। यानी दोनों वेरिएंट्स के अंदर में 5,000 रुपए का आप लोगों को प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 5,000 रुपए में क्या आप लोगों को सिर्फ कलर थीम का ही जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैंने ना इसका एक ब्रावा ब्लू कलर के भी वीडियो बना रखे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इसके सेकंड बेस वेरिएंट में आप लोगों को कौन-कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, कैसे कंफर्ट जो है इस बाइक के अंदर में मिल जाता है। और भाई एक और चीज है, इसके एक वो आती है हिमालयन 450, उसका फ्रेम और जो इस गुरिल्ला 450 का फ्रेम है वो आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे मिलता है। थोड़ा बहुत जो है इसके फ्रेम के अंदर में आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस है। बट जो प्राइस है वहाँ पे अब हिमालयन 450 का आप लोग को ज़्यादा मिलता है, पर जो अपनी गुरिल्ला 450 है इसका जो प्राइस है वो आप लोग को यहाँ पे कम मिलता है। अगर आप रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक जल्द से जल्द और अच्छे प्राइस पे लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा। और एक और चीज़ है, जैसे अभी गुरिल्ला 450 भाई नई नई लॉन्च हुई तो इसके ऊपर में क्या आप लोग को वेटिंग मिलेगी, पर अगर आप इस शोरूम से बाय करते हैं तो इस बाइक के ऊपर क्या आप लोग को वेटिंग का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जो मैं फ्रेम आप लोग को बोल रहा था ना, जो अपनी हिमालयन 450 के अंदर में आता है उसके अंदर में क्या रहता है, जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना फ्रेम का, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ में आता है, पर जो अपनी गुरिल्ला 450 है इसमें जो ये वाला पार्ट है आप लोग का ऊपर की तरफ में कर दिया, तो मतलब एक थोड़ा बहुत ही आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा इनके फ्रेम के अंदर में। बट जो बाइक की लेंथ है कंपैरेटिवली हिमालयन से आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी कम मिल जाती है, वहीं जो बाइक की सीट हाइट है वो भी आप लोग को कंपैरेटिवली हिमालयन 450 से कम मिल जाती है। अगर आप एक टूरिंग बाइक लेना चाहते हैं तो भाई कोई सोचने का विषय नहीं है, फिर तो आप हिमालयन 450 की तरफ में जा सकते हैं। पर आप एक थोड़ी सी लाइफस्टाइल वाली बाइक लेना चाहते हैं जिसकी लुक थोड़ी सी अच्छी हो, थोड़े मोड़े टूर भी आप करना चाहते हो, तो जो गुरिल्ला की 450 है भाई ये बाइक भी देखने में काफी ज्यादा अच्छी आप लोग को लगेगी। जो गुरिल्ला की 450 है इसके अंदर में 780 mm की आप लोग को यहाँ पे सीट हाइट मिल जाती है, और जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो आप लोग को यहाँ पे 11 लीटर का मिलता है, ये भी आप लोग कंपैरेटिवली छोटा मिल जाता है हिमालयन 450 से। 2 से 2.5 लीटर जो इसके अंदर में रहता है वो आप लोग को यहाँ पे रिजर्व फ्यूल में रहता है, और जो इस बाइक का इंजन है वो 452cc का यहाँ पे मिलता है, जो कि बिल्कुल सेम है अपनी हिमालयन 450 से। 40 PS पावर ये निकालता है और 40 Nm का टॉर्क जो है ये बाइक आप लोग को निकाल के दे देती है। ड्यूअल चैनल ABS के साथ में आती है अपनी गुरिल्ला की 450, और लुक तो भाई नो डाउट दे बाइक की देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लगती है। वहीं जो इसका ब्रावा ब्लू कलर है वो देखने में और भी ज़्यादा शानदार सा आप लोग को लगता है। इसके अंदर में क्या है अपसाइड डाउन सस्पेंशन आप लोग को मिल जाते हैं, जो कि शो आके बाइक के अंदर में यहाँ पे आ जाते हैं। C8 के जो है बेसिकली टायर मिलते हैं, और ट्यूबलेस टायर जो है बाइक के अंदर मिल जाते हैं। 120/70R 17 inch का जो है बाइक का टायर सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, और ना ये इसके अंदर क्या है बाइब्री के डिस्क ब्रेक आप लोग को मिल जाते हैं। 310 mm का जो है इसका डिस्क ब्रेक का साइज आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। कंपेयर करोगे हिमालयन 450 से तो ये भी इसके अंदर में थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे मिल जाता है। बाइक के अंदर में क्या आप लोग को सिंगल ही हॉर्न मिलेगा, और नीचे की तरफ में क्या है सम गार्ड भी इसके अंदर मिल जाता है, और ये तो जाहिर सी बात है इसके अंदर में आप लोग को प्लास्टिक का ही मिलता है। पहले रहता था कि भाई रॉयल इनफील्ड की बाइक के अंदर में मेटल के पूरे भर भर की चीजें मिलती थी, बट अब क्या है आप लोग को थोड़ा सा प्लास्टिक का यूज देखने को मिलेगा। जो बाइक की हेडलैम्प्स हैं वो आप लोग को LED के अंदर मिलेगी, लो भी हाई भी दोनों LED के अंदर में काम करते हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आप लोग को LED के अंदर में ही मिल जाएंगे। अब जैसे मान लो आप इसके हैजार्ड लैंप को ऑन करना चाहते हैं चलते हुए, तो भाई आप लोग को जाहिर सी बात है हैजार्ड लैंप भी ऑन हो जाएंगे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़ी शानदार सी, आगे की तरफ से तो भाई ये लाइट ग्लो कर रही है, और पीछे की तरफ से जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो इसकी ये रेड लाइट है इंडिकेटर्स के अंदर में ये ही ग्लो करती रहती है। अगर हैजार्ड लैंप इसके ऑफ करता हूँ फिर देखो भाई इस बाइक की जो लुक है ना भाई, ये चीज़ ऑन होने के बाद में बहुत ज़्यादा शानदार सी ये लगती है। और बाइक के अंदर में क्या है वेट मल्टीप्लेट ही क्लच आप लोग को यहाँ पे मिलेगी, असिस्टेंट स्लीपर क्लच इस बाइक के अंदर में नहीं आती है। जो बाइक के मिरर्स हैं वो रफ ब्लैक फिनिश के अंदर दिए गए, क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं मिलेगा। सिंगल ही सीट जो है बाइक के अंदर में आती है। पीछे की तरफ में बैक सपोर्ट भी जो है यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आप लोग को बाइक के अंदर मिल जाएंगे। 6-speed का गियर बॉक्स इस बाइक के अंदर में आ जाएगा, और डबल स्टैंड और साइड स्टैंड भी जो है इस बाइक के अंदर में आप लोग को मिल जाता है। वहीं जो साड़ी गार्ड है वो भी इस बाइक के अंदर मिल जाएगा,
अब जैसे मान लो लेडीज बैठती तो वो क्या है इस तरफ में पैर करके बैठती कई कई जगह पे, तो जो आप ये वाला फुट रेस्ट रहता है ना वो आप लोग को नहीं मिलेगा। पीछे वाले के लिए आप लोग को सिंपल ही फुट पैक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंजन वगैरह बाइक का पूरा ब्लैक कलर के अंदर में किया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा से लगता है। और आगे की तरफ में क्या है आप लोग को यहाँ पे रेडिएटर भी मिल जाता है। अगर इसके टूल किट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो इसकी ओपनिंग और दिखाता हूँ भाई कहाँ से ये हो जाती है। थोड़ा बहुत सामान ही क्या है इसके अंदर में आप अपना रख सकते हैं, मतलब टूल किट ही दे रखी है बेसिकली। और जो टूल किट्स हैं वो भी भाई इसके अंदर में आप लोग को थोड़ी कम मिलती है। ओपन करियो ये कुछ इस तरीके से करके आपकी सीट निकल जाएगी। यहीं पे ही जो है बैटरी की प्लेसमेंट इसके अंदर में की गई है और जो टूल किट्स है भाई वो यहीं पे मतलब प्लेस कर रखी है। इसको लगाना और उतारना भी क्या है इस सीट को बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत वाला काम है। और जो बाइक की बैक लुक है वो भी भाई देखने में आप लोग काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगी। अच्छा चौड़ा सा जो है इसका पीछे वाला टायर आप लोग को देखने में लगेगा। और ट्यूबलेस ही आगे जाहिर सी बात है 160/60 R17 इंच का जो है बाइक के अंदर में यहाँ पर टायर सेक्शन मिल जाता है। जो बाइक की एग्जॉस्ट पाइप है वो देखने में बिल्कुल हिमालयन 450 जैसी ही आप लोग को मिलने वाली है। और इसके अंदर मैं एग्जॉस्ट साउंड और सुनाता हूँ भाई कैसी आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। गियर में रहेगी तो वही चीज़ है कि जो इसका इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा साइड स्टैंड लगने के बाद में, साइड स्टैंड लगेगा तो गियर में वो वाली बात बता रहा हूँ आपको। इंजन की भी साउंड आ रही है और पूरी एग्जॉस्ट साउंड भी जो है अच्छी तगड़ी सी जो है इस बाइक के अंदर में आ रही है। अब दिखाता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर में आप लोग को कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो ये पूरा डिजिटल के अंदर में आप लोग क्लस्टर आता है और दो अपीयरेंस मोड भी इसके अंदर में आ जाते हैं। अभी देख रहे हो आप ये एनालॉग के अंदर दिखा रहे हैं, बेसिकली है डिजिटल पर दिखा एनालॉग के अंदर में रहा है। देखो यहाँ पे आप आ रहे हैं अपीयरेंस का, अपीयरेंस के अंदर में दिखाते हैं भाई क्या क्या है। ये आपका गोल्ड लाइन आ गया, बैकग्राउंड है, ब्राइटनेस है, स्क्रीन टाइप है। स्क्रीन टाइप में अंदर में एनालॉग है जैसे मैंने आप लोग को बताया था और एक डिजिटल भी इसके अंदर में यहाँ पे आ जाता है। ये आपका पूरा डिजिटल में हो गया। अब इसको दोबारा से मैं होम बटन दबाऊंगा, ये आपकी ब्राइटनेस आ गई। बैकग्राउंड के अंदर में ऑटो है एंड डार्क थीम बेसिकली यहाँ पर दी गई है। ये आपका गोल्ड लाइन के अंदर में क्या है भाई, अच्छा ट्रिप है, ट्रिप भी बस यही दिखा रखा है इसके अंदर में। तो अब दोबारा से बैक चलते हैं, ये ट्रिप प्रेफरेंस हो गई, ये आपका नीचे की तरफ में माई व्हीकल हो गया। माई व्हीकल में भी आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम में तो सिस्टम ही मिलेगा और तो क्या मिलेगा। इन्फॉर्मेशन के अंदर में चलते हैं, अच्छा ये बस ये आपका फेवरेट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में शो करता है। टाइम दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, ओडोमीटर है, गियर भी इसके अंदर दिखाता है, फर्स्ट गियर में चला रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सारे इसके अंदर में शो करता है। और स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है, फ्यूल गैस जाहिर सी बात है रॉयल एनफील्ड ने देना स्टार्ट कर दिया। होम बटन यहाँ आगे की तरफ भी दे रखे जिसको आप कंट्रोल करेंगे। और जो इसके टॉगल करने के लिए स्विच है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। बाइक के अंदर में सिंगल ही ऑन मिलता है, इंडिकेटर के लिए दे रखा है, हेडलाइट के लिए बेसिकली इस साइड में दिया हुआ है, ये आपका मोड्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। आगे की तरफ में हैजार्ड लैंप का जो है बाइक के अंदर में स्विच मिल जाता है। अब देखो भाई इसके मोड्स के अंदर मैं दिखाता हूँ, ये आपका परफॉर्मेंस मोड है एंड इको मोड यहाँ बेसिकली दिया हुआ है। और जो ABS है वो इसके अंदर में यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इस बाइक के अंदर में यहाँ पे शो करता है, मतलब भाई बहुत मस्त चीज़ है। और एक और चीज़ है जैसे अभी ब्लैक थीम के अंदर में आ रहे हैं, जैसे आप इस बाइक को बाहर निकालोगे तो ये दिन कंसीडर कर लेगा और जो इसकी थीम है वो आपकी ब्लैक से वाइट थीम में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। बाइक की जो सीट हाइट है उसका कंफर्ट आप लोग को बताता हूँ। देखो राइडर के लिए तो अच्छी खासी चौड़ी सीट दे रखी है, बट जो पिलियन के लिए दे रखे है उस सीट का डिज़ाइन क्या है पीछे की तरफ से जाके इस तरीके से हो रहा है। तो पिलियन के लिए अगर ज़्यादा हेल्दी बैठ रहे तो हाँ थोड़ी बहुत तो इसके अंदर में हो सकती है। बाकी जो इस बाइक के अंदर में कर्व वेट मिलता है, अगर बाइक के अंदर में फ्यूल नहीं है तो 174 kg का मिलेगा, वहीं 90% फ्यूल और ऑयल फिलअप होने के बाद में बाइक के अंदर में 185 kg का यहाँ पे कर्व वेट हो जाएगा। और जो बाइक की पेलोड की कैपेसिटी है वो शायद 191 kg की आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। 6 फुट के लिए तो नो डाउट भाई कोई सी बाइक हो तो कंफर्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मतलब जो पैर है फ्लोर को बिल्कुल अच्छे तरीके से टच करते हैं। वहीं मान लो आप 5'6" या 5'5" है तो उसके भी पैर फ्लोर को अच्छे तरीके से टच कर जाएंगे, राइड वो कर सकते हैं। बट जैसे मान लो ऊबड़ खाबड़
थप्पड़ से हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करने की सी दिक्कत आई, तो हाँ पैर के अंदर में हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है क्योंकि पैर के पीछे से इस तरीके से उठे हुए रहेंगे। पर राइड करने में देखो नो डाउट, चाहे लेडी ड्राइवर हो चाहे आपका मैन हो, तो बिल्कुल आसानी से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। वही बाइक को डबल स्टैंड पर लगा के बताता हूँ भाई, ठीक है ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि ज़्यादा हैवी सा आप लोग को फील होगा, आसानी से क्या है बाइक को डबल स्टैंड पे लगाया जा सकता है। बिल्कुल ही वो भी मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल ही फटीक फ्री है, थोड़ा सा देखो एफर्ट इस बाइक के अंदर में लगाना पड़ता है डबल स्टैंड में लगाते वक्त में। तो गाइस ठीक है ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर में कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।